नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 8 जून तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ, लव लाइफ एंड सिंगल लाइफ। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 8 मई तक की। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है 1 से लेके 8 जून तक की वक्त में। आपका हेल्थ जजमेंट हो सकता है, आपका हेल्थ तो अच्छा रहेगा लेकिन आप किसी कारण से पुराने दिनों को याद कर सकते हो। कई रिश्ते, कई काम जो आपने पहले किया था, अगर उसमें कोई गलती थी तो आप उन चीज़ों को रिकॉल करोगे इन दिनों। तो अगर मैं कहूँ आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। किसी रिश्ते को आप याद कर सकते हो, किसी काम को आप याद कर सकते हो जो आपने पहले किया था, जो अभी आप नहीं उस तरह से कर पा रहे हो, तो उसको लेके आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। और आपको लगेगा पहले मैं ऐसा था, वैसा था, ऐसा किया था, तो अभी मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं फिर से मेहनत करूँगी या फिर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह की आपकी मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे। जो आपका अगर पुराना कोई बीमारी था तो इन दिनों वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन मेंटली आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। अभी देखते हैं जो आपका फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है। आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो यानी कन्या राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो यानी कन्या राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स, देखिए बार बार ही ये रिकॉल का कार्ड आ रहा है। फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जो जैसे आपके पुराने दिन थे वही रहेगा। आपको कहीं से पैतृक संपत्ति मिल सकता है, कहीं दादा नाना चाचा काका कोई आपके घर आ सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, आप उनसे कुछ आपको मिल सकता है, या फिर आपको कहीं से कोई पैतृक संपत्ति मिलने की भी चांसेस है। जो चीज़ आप मिस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि काश मुझे ये मिल जाता, काश मेरे कोई दादा या नाना होता, कोई मामा कोई चाचा कोई भी आपको मिलने आ सकता है, या फिर आप कहीं जा सकते हो जिससे मिलके आपको ये लगेगा हाँ मुझे बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था, और हो सकता है वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाए, या फिर कहीं से अगर आपके कोई रिश्तेदार आपके लिए कुछ पैतृक संपत्ति भी छोड़ सकते हैं। तो फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं जो लोग स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं वर्गो के, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप लोग जो कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी काम पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कोई अगर जॉब भी करता है तो आपको उसमें टीम वर्क करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा काम कब करना है, किस तरह से करना है, ये आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हो ही और आप बाहर जाना चाहते हो, हायर स्टडी करना चाहते हो, तो भी आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अकेले में सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी तो ये नहीं होगा, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, या फिर आपके दोस्त से। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोस्तों से मदद लिया जा सकता है, क्योंकि दोस्त से आप उतना ही मदद पाओगे जितना आप खुद जानते हो। आपके दोस्त जो होंगे वो आपसे ज़्यादा तो नहीं जानेंगे, तो आपको किसी की मदद से अपनी स्टडीज़ को आगे ले जाना पड़ेगा। और अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे तो भी आपको जॉब किसी की मदद से ही मिल सकता है, अपने आप कुछ नहीं होगा।
अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं, वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। वर्गो यानी कन्या राशि, जो लोग जॉब करते हैं, टेन ऑफ कप्स, आपको जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत खुशी मिलेगी। आप जहाँ जॉब कर रहे हो आपको एक पारिवारिक शांति वहाँ मिल सकता है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे जगह हम काम कर रहे हैं, या मुझे हर कुछ मिल रहा है, जैसे एक परिवार की तरह हम काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ आपको कोई अपना भी मिल सकता है, हो सकता है आप कोई पारिवारिक बिजनेस में ही काम करते हो, वहाँ आप जॉब करते हो, या फिर कहीं से आपको ये ऑफर आए कि आप अपनी जॉब छोड़ के किसी पारिवारिक बिजनेस में आप ज्वाइन करो, तो वहाँ भी आप जॉब करने जा सकते हो। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हो जो उस वहाँ आपको एक मेंटल एक पीसफुल नेस मिलेगी। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे और अच्छे फील करोगे, और आपको ये काम करने में हो सकता है, जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ आप अपने परिवार को लेके भी सेटल हो सकते हो। जो लोग की ट्रांसफरेबल जॉब है वो लोग परिवार के साथ बाहर भी सेटल हो सकते हैं। अभी देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ी कंफ्यूज रहना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, कोई किसी के पारिवारिक जॉब बिजनेस में भी आपको घुसना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे थे और आपको अपने फैमिली की बिजनेस में भी जाना पड़ रहा है, तो इसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लग सकता है कि मेरा अपना बिजनेस है और मैं घर का बिजनेस कैसे संभालूंगा या संभालूंगी, इस तरह की सोच में आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो इन दिनों। जो बिजनेस करते हैं उनको अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है, आप कौन सा काम कर सकते हो, अगर आप दोनों ही करते हो तो कैसा रहेगा। इस तरह की मानसिक स्थिति आपकी रहेगी, लेकिन आपको ही उसको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप बहुत दिनों से सिंगल हो, या फिर आप कुछ महीनों से सिंगल हो, या सालों से अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई प्यार लेके आ रहा है। हो सकता है वो आपसे यंग एज का हो, और अगर आप झगड़ा करके सिंगल हो तो भी आपके लाइफ में नई शुरुआत होने जा रहा है। आपके लाइफ में कोई आ रहा है जिसका एज आपसे कम होगा, जो यंग एनर्जी की होगी। आपकी एज कितना भी हो, जो भी हो, लेकिन उसका एज आपसे कम होगा, उसकी थॉट्स थोड़ी अलग होगी, वो कुछ अलग तरह से चीज़ों को सोचेंगे, लेकिन वो आपके लाइफ में एक खुशी लेके आ रहा है। बहुत दिनों से अगर अपना ही रिश्ते से आप बाहर थे, अपने ही पुराने रिश्तों से, तो भी आपका रिश्ता नया रूप लेके आपके पास आ सकता है इन दिनों। आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं एक नए थॉट्स के साथ। अभी देखते हैं जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए क्या आता है। एट ऑफ सोर्स, जो लोग रिश्ते में हैं हो सकता है उनका जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता जो आपके माइंड में है ये आपके माइंड से कभी भी निकलता नहीं है। 24/7 ये रिश्ता आपके माइंड में चलता रहता है। हालांकि आप कभी कभी चाहते हो इस रिश्ते से बाहर निकलना, आप कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन आप अगर आग बंद भी करते हो तो भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते, अगर आप खोलते भी हो तो भी नहीं। तो हमेशा ये रिश्ता आपके साथ चलता रहता है 24/7, लेकिन ये रिश्ता कभी कभी आपको परेशान भी करता है। इसीलिए आपको इस रिश्ते में जकड़े रहने का जो एक एहसास होता है, ये आपको लग सकता है कि मैं चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इस रिश्ते से मैं रिश्ते को छोड़ना चाहती हूँ, रिश्ते से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो इस तरह की सोच आपके आ सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के।
अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस फॉर द वीक क्या होता है। वर्गो यानी कन्या राशि, फोर ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि खुद को हील कीजिए, परेशान मत होइए, रोइए मत। हो सकता है आप रात को सो नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ से आप परेशान हो, दुखी हो, आपको लग रहा है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, या फिर आपके आपको ये भी लग सकता है कि आपको धोखा मिला है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि आप इतने परेशान हो। लेकिन जितना परेशान आप खुद को सोच रहे हो उतनी परेशानी आपकी नहीं है, ये सोच आपको परेशान कर रहा है, इसलिए रात को मत जागिए। हो सकता है आप पूरे दिन सही रहते हो, रात को जब आप सोने जाते हो तभी आपका वो पूरे दिन का या फिर कुछ भी आपने पहले किया होगा उस बात को आप रिकॉल करते हो, तो उस बात से खुद को अलग कीजिए। रात को अच्छे से नींद लीजिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और गॉड की शरण में जाइए। उनसे कहिए अगर आपका कोई परेशानी है तो उसका हल एकमात्र वो सर्वशक्तिमान जो है, भगवान जो है, गॉड जो, अल्लाह जो है, वही आपको इस दुविधा से निकाल सकते हैं। रात में जागने से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको थोड़ी मंदिर जाना चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं होगा और खुद को हील कीजिए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि कुछ भी गलती भी अगर आपसे हुआ है तो वो धीरे धीरे रिकवर कर जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।